सो है गाइज़ वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माई न्यू वीडियो सो आई होप यू आर सेफ़ एंड हेल्थी इन दिस कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक सो कीप योर सेल्फ सेफ एंड फॉलो ऑल दी गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट सो ये जो वीक था वो बहुत ज़्यादा विलाटाइल था सो so, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि हम लोग इस वालाटिलिटी के अंदर अपना जो नुकसान है वो कैसे कम कर सके और जो भी नुकसान हुआ है उसमें से बाहर कैसे निकले। सो so, मैं हमेशा आपको वीकली बेसिस के ऊपर एक एक्सपायरी के लिए वीडियो बना के देती हूँ जो मैं चैनल मेंबरशिप में देती हूँ गोल्ड मेंबर्स के लिए तो इस बारी भी मैंने आने वाले एक्सपायरी के लिए आपको वो वीडियो दे दिया है चैनल मेंबरशिप में तो वो अपलोड हो चुका है तो जो भी मेंबर्स है वो देख लीजिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको एक्सपायरी के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी वीडियो मिलेगा जहाँ पे मैं आपको एडजस्टमेंट्स बताती हूँ और एक्सपायरी के दिन आप अच्छा खासा प्रॉफ़िट कैसे बना सकते हैं क्योंकि उसी दिन बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है और एक अच्छा मूव जो है वो हमें मिल सकता है और ऑप्शनस के अंदर स्पेशली जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं वो लोगों के लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है तो जिन्होंने अभी तक चैनल मेंबरशिप नहीं ली है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है और अगर आप देखोगे तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको एक और बटन दिखेगा ज्वाइन बटन करके तो वहाँ से भी आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो वही अभी इस चैनल के ऊपर मैं हमेशा निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियोस जो है वो रेगुलरली डालती हूँ तो जो लोग नए हैं इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी मैं इस चैनल के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी और एजुकेशन पर्पस के ऊपर वीडियोस जो है वो डालती रहती हूँ आपको समटाइम्स स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलते हैं जहाँ पे टेलीग्राम चैनल है मेरा वहाँ पे मैं आपको स्टॉक रिकमेंडेशंस देती हूँ तो अगर वहाँ पे मुझे आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है सो so, आज का ये वीडियो जो है वो मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाली हूँ या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर भी नहीं कुछ बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाईली वोलाटाइल मार्केट के अंदर आप लोग कैसे बने रह सकते हैं आप लोग जो है वो अपना लॉस कैसे कम कर सकते हो और uh, क्या करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो सो वेन एवर वी हिट विद अ हाईली वटाइल वीक आवर फर्स्ट रिएक्शन शुड बी हाउ टू कीप आवर सेल्फ काम सो बिकॉज वी कैन मेक सम गुड डिसीजन ओनली इफ वी आर काम एंड डिसिप्लिन बट हाउ कैन वी कीप आवर सेल्फ काम एंड वैन वी सॉ एवरीथिंग इज इन रेड सो so, जब आप ऐसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हो और वोलेटिलिटी जो है वो मार्केट के अंदर ऑप्शनस के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है और अगर आपने एक साइड का ट्रेड लिया है और मार्केट उसके अपोजिट साइड जाने लगता है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और ये देख के आप हाइपर हो जाते हो आप टेंशन में आ जाते हो तो इस समय आप कैसे काम रह सकते हो और क्या कर सकते हो जो आपको इस वुलाटाइल वीक के अंदर या फिर वोलाटाइल मार्केट के अंदर बनाए बनाने रखें तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि मेक अ प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान सो बिफोर यू स्टार्ट योर ट्रेडिंग विथ रियल मनी क्रिएट अ प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान विथ ऑल द एंट्री एंड एग्जिट रूल्स सो प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट रूल्स विल टेल यू वेन टू रिएक्ट इन द मार्केट आपको मैंने ये बात हमेशा बताई है कि जो भी लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं अपना एक ट्रेडिंग प्लान पहले से आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको मार्केट के अंदर कब एंट्री करना है कब एग्जिट करना है सो आई हैव सीन मेनी ट्रेडर्स हु आर ट्रेडिंग विदाउट अ प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान सो दे आर टेकिंग ट्रेड रैंडमली और बेस्ड ऑन एनी एडवाइस कमिंग फ्रॉम टीवी चैनल्स और फ्रॉम एनी फ्रेंड और रिलेटिव और ऐसी एजेंसीज रहती है जो आपको फ्री में कॉल या फिर पुट्स जो देती है या फिर आपके पैसे लेके आपके आपको पुट्स या फिर कॉल्स देते हैं तो ये जो सारे लोग हैं वो उनके बताए गए कॉल्स या फिर पुट्स लेते हैं सो द मेन प्रॉब्लम विथ दिस एडवाइज इज वी नो वेन टू एंटर बट डोंट नो वेन टू एग्जिट सो व्हेन वी हैव टेकन अ ट्रेड बेस्ड ऑन एनी एडवाइस एंड हिट विद अ हाईली विलायटाइल मार्केट we start our research our search and uh, for the exit routes and till we got our exit routes either we are sitting with huge loss or missed the exit routes so that's the reason you should have a proper trading plan before you enter this market so your trading plan must have the proper exit routes for any unexpected situation you may face during the trade so before entering in trade do not ask what will I do if a target meets? Ask yourself what will I do if my stop loss hit? How will I come out from a bad trade? So if you have proper entry and exit routes from any unexpected situation, then only you can keep yourself calm. I hope now you can understand the importance of a proper trading plan. Second thing is that ki, a trade with a proper risk management. जो मैं वीकली आपको एक्सपायरी वीडियो देती हूँ जहाँ पे मैं आपको चैनल मेंबरशिप में गोल्ड मेंबर्स के लिए देती हूँ उसमें मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश करती हूँ और जो मेरे एडजस्टमेंट्स रहते हैं वो इसी के ऊपर रहते हैं कि आपका रिस्क जो है वो कैसे कम हो सके सो so, वो वीडियो के अंदर आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी कि मैं जो आपको एडजस्टमेंट्स बताती हूँ आपको क्या लेना है या फिर कैसे लेना है तो उसके ऊपर आप जो है वो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और फिर देखिएगा आप जो है वो ऑप्शन में अच्छे खासे ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं सो आई हैव सीन मेनी पीपल आर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन दी targets बट नॉट लुकिंग एट देयर स्टॉप लॉस सो स्टॉप लॉस विल डिफाइन your रिस्क tolerance सिचुएशन means हाउ मच maximum लॉस यू कैन एफोर्ड इन अ ट्रेड so the problem starts when we took a risk which is higher than our risk tolerance nature if you saw that risk is high and you can't afford that loss then real emotional traps we start which is very dangerous for a trader so you may take some bad decisions due to this emotional trap so before enter entry in any trade always calculate the maximum risk that trade carries so if you can afford to lose that amount देन ओनली यू शुड टेक देट ट्रेड ये मैं बात आपको हमेशा बोलती आई हूं कि जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है जो कुछ काम का नहीं है वही आपको शेयर मार्केट में डालना है और उसे भूल जाना है अगर वो पैसा जाता भी है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए सो रिमेम्बर वन दिस नॉट एवरी ट्रेड इज वैलिड फॉर एवरी वन वी ऑल हैव अवर ओन रिस्क टॉलरेंस नेचर सो वी शुड चूज अवर ट्रेड अकॉर्डिंगली प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लान विल नॉट ओनली हेल्प टू कीप य बट विल हेल्प टू सर्वाइव हियर फॉर द लॉन्ग टर्म एंड एज आई ऑलवेज से इफ यू मैनेज टू सरवाइव यियर प्रॉफिट विल कम ऑटोमैटिकली थर्ड थिंग इज दाईली वोलाटाइल मार्केट के अंदर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप क्या करें सो फर्स्ट थिंग इज कीप योर काम कीप योर काम एंड सेकेंड थिंग इज फिगर आउट हाउ टू रिड्यूस The risk risk first. If you want to keep your risk on limited side, you can trade with options hedging strategies. जो आपको मैं एक्सपायरी के videos में बताती हूं कि positions जो है वो hedge कैसे करें Options में हेजिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप जो है वो अपना रिस्क उससे कम कर सकते हो So I am trading derivatives from last five plus years. In these uh, five years, I have traded with futures, and then later I have switched to option strategies. So these option strategies are not only helping to keep my risk on limited uh, risk, but generating some consistent return too. So yeah. आपको जो स्ट्रैटेजीज़ है जो मैं आपको एक्सपायरी के लिए बताती हूँ वो आपको चैनल मेंबरशिप में मिलेगी और देखिए ये वीडियो जो है मैंने सबके लिए बनाया एक्चुअली मैंने सोचा था पहले कि सिर्फ मेंबर्स के लिए बनाओ फिर मैंने सोचा कि सब्सक्राइबर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ये वीडियो तो इसीलिए मैंने ये वीडियो पब्लिकली अपलोड कर दिया है और अगर आपको ऐसे वीडियोज़ जो है वो देखने हैं और एक्सपायरी के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करती हूँ वो वीडियो देखना है तो आपको चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी तो जल्दी से चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना और आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जिनको भी ये वीडियो यूजफुल है उन सबके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और उन सबको कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली